ओके सो देवरा पार्ट वन जो कि एनटीआर की मूवी होने वाली है, यानी एनटीआर सैफ अली खान एंड जानवी, तो उसका हिंदी में ट्रेलर आ गया है, तो चलिए रिएक्ट करते हैं उसके ऊपर। और जैसे कि इसका टीजर था, आई डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस, बट स्टिल देखते हैं कैसा होता है। ओके सो आई विल गो काउंट डाउन, ओके 3, 2 एंड 1, 1, सॉरी। आखिर कौन थे वो लोग? ना जात ना धर्म, डर जरा सा भी नहीं। जिन आंखों ने धैर्य के सिवा कुछ नहीं देखा था, आज पहली बार डर से भरी हुई थी। उन सबको किसने मारा? बहुत लंबी कहानी है, खून से समुंदर को लाल कर देने वाली कहानी, हमारे देवरा की कहानी। आदमी में बस जीने की हिम्मत होनी चाहिए, किसी को मारने की नहीं। अब अगर तुमने फिर से ये करने की हिम्मत की, मैं वो डर बनूंगा जो उस हिम्मत को मिटा देगा। जब तक तू यहाँ है, हम तेरा काम मानेंगे देवरा। देवरा को मारने के लिए सिर्फ सही समय ही नहीं, सही हथियार भी मिलना चाहिए। उसका डर क्यों नहीं दिया सैफ अली खान ने? उस खुद का डर नहीं दिया। भोला भाला सीधा साधा बिल्कुल बुद्धू है, कैसे बनेगी? क्या तू तो संग्राम में लड़ने की सोच रहा है? अरे क्या बात कर रहे हो, मुझसे नहीं हो पाएगा। अपने बाप से सिर्फ उसकी शक्ल मिलती है, हिम्मत जरा भी नहीं। ओके डबल गो। अगर काम पे गया तो काम होते ही लौटा था, वो अपनी जिद पूरी करने गया है। देवरा को समुंदर पर गए हुए 2 साल बीत चुके थे। जो मैंने समुंदर के अंदर देखा वो अभी भी मेरी आंखों के सामने है। अगर इस डर को पार करके समुंदर पे गलत काम करने कोई उतरा, एक रियलिस्टिक फील होती है, बिल्कुल भी वो फील नहीं। मतलब हिंदुस्तान से एक अंधे का डर बनूंगा। पता नहीं मतलब वो भी पायलट कर रहे हैं। और अनिरुद्ध बीजेम में बट कुछ फील नहीं हुआ वैसी। खैर अच्छा नहीं था आई थिंक, मतलब उतना अच्छा नहीं था। आई नो आई डोंट हैड एनी एक्सपेक्टेशंस, बट स्टिल ब्रो, आई मीन एनटीआर है भाई उसमें, तो आरआरआर के बाद अब तो कुछ तो एक्सपेक्टेशंस होगी ना एनटीआर से। आई एम नॉट इंप्रेस्ड एट ऑल। और हाँ लग रहा है कि भाई वो ट्राई कर रहे हैं, अभी भी ट्राई कर रहे हैं। मतलब नो दे हैवंट यू नो अचीव्ड दैट लेवल दैट दे वॉन्टेड टू अचीव इट, राइट? दे वॉन्टेड टू अचीव दिस बट दे आर एट दिस नॉट दिस। तो हाँ अभी मुझे पता नहीं क्यों बट याद आ रहा है कि भाई कैसे यू नो स्क्रिप्ट राइटर्स या डायरेक्टर जो भी हो गए उन्होंने वो स्क्रिप्ट पिच की होगी उनको, एक्टर्स और सैफ अली खान को सबको, कि भाई हम ऐसे ही बनाने वाले, ये इस स्केल पे होगी। और अब ये ट्रेलर देखने के बाद उनके क्या रिएक्शन होंगे। नहीं भाई, थग्स ऑफ हिंदुस्तान पार्ट टू, या हालांकि ये पार्ट वन है लेकिन थग्स ऑफ हिंदुस्तान की तरह ही है और थग्स ऑफ हिंदुस्तान ही है। खैर अभी मूवी देखी नहीं है तो पूरा ओपिनियन आई डोंट थिंक कि भाई सही होगा बताना, बट स्टिल लग रहा है कि भाई वैसे ही होने वाली है। तो या आई डोंट हैव एन एक्सपेक्टेशंस एंड आई डोंट थिंक आई एम गोइंग टू वॉच इट। सो या बाकी आपको कैसा लगा ये ट्रेलर कमेंट्स में जरूर बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट वो, तब तक देखते रहिए रॉकी द वॉचर। जय हिंद।